आज 6 स्थानों पर मथुरा में कोविड वैक्सीन हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उनको लगाई जा रही है। फर्स्ट फेज में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। तो 6 स्थानों पे प्रत्येक स्थान पर 100 बेनिफिशरीज यानी कुल 600 बेनिफिशरीज को आज कोविशील्ड वैक्सीन मथुरा जनपद में लगाई जाएगी। समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सुरक्षा के मानकों के साथ वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट कर लिया गया है। सभी बेनिफिशरीज सभी स्थानों पर पहुँच गए हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क TTI न्यूज और खबर मथुरा से है। मथुरा के जिला अस्पताल में आज से लगाई जा रही है कोरोना वैक्सीन। जी हां, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के शुभारंभ के मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी नवनीत चहल। लगभग 600 कोरोना टीकाकरण आज होंगे। सर्वप्रथम फ्रंटलाइन वॉरियर्स और डॉक्टर्स को लगाया जा रहा है कोरोना का टीका। वो घड़ी आ चुकी है जिसका सभी देशवासियों को और मथुरावासियों को इंतजार था। आज से देश भर में कोरोना की वैक्सीन टीकाकरण शुरू हो गया है। इस कड़ी में मथुरा में टीकाकरण की शुरुआत जिला अस्पताल से हुई, जिसके शुभारंभ के लिए पहुंचे नवनीत चहल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज 600 टीके लगाए जाएंगे। सर्वप्रथम कोरोना वॉरियर्स और डॉक्टर्स को कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी के सहित मथुरा CMO डॉक्टर रचना गुप्ता, ACMO डॉक्टर राजीव गुप्ता, कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह और अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। आज 6 स्थानों पर मथुरा में कोविड वैक्सीन हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उनको लगाई जा रही है। फर्स्ट फेज में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। तो 6 स्थानों पर प्रत्येक स्थान पर 100 बेनिफिशरीज यानी कुल 600 बेनिफिशरीज को आज कोविशील्ड वैक्सीन मथुरा जनपद में लगाई जाएगी। समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सुरक्षा के मानकों के साथ वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट कर लिया गया है। सभी बेनिफिशरी सभी स्थानों पर पहुंच गए हैं और वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम अब शुरुआत अभी किया गया है। आज मैंने वैक्सीन लगाई। मैं अपने को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे देश की स्वदेशी वैक्सीन लगवाने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ है और मैं चाहता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये वैक्सीन सभी देशवासियों को उपलब्ध होनी चाहिए। आप मानते हैं कि इस वैक्सीन के बाद हम कोरोना की जंग को जीत पाएंगे? क्या इस वैक्सीन को लगने के बाद हम कोरोना की जंग को जीत पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की है, इतनी सफलता प्राप्त की है, तो पूरी पूरी उम्मीद है कोरोना पर हमें कंट्रोल मिलेगा, सभी स्वस्थ रहेंगे। क्या नाम है? फार्मासिस्ट जिला अस्पताल मथुरा में मेरी पुष्टि। देखिए, आज जो जिला चिकित्सालय मथुरा में कोविड की वैक्सीन लग रही है और यहाँ जो सेशन है लगा हुआ वो स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यहाँ पे आज 100 बेनिफिशियरों को टीकाकरण हुआ कोविड का। तो जो आज पहले जो चरण में जो वैक्सीन लग रही है वो किन किन लोगों को लग रही है? वो केवल जिला अस्पताल में जो हेल्थ केयर वर्कर है, फ्रंटलाइन वर्कर है, उनकी लग रही है। अच्छा, अभी तक जैसे शहर के लोगों में जैसे भ्रांतियाँ हैं कि जो कोरोना वैक्सीन जो लगने का दौर शुरू हो गया है, तो अगर कोई आम आदमी लगवाना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है? नहीं, अभी किसी नहीं, पहले हेल्थ केयर वर्कर को लगी।